नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूट्रेला फूड तक। मैं हूं सबा काजी और आज हम बनाने जा रहे हैं सोया आलू कीमा सब्जी। अब कीमा बनाना है लेकिन वेजिटेरियन बनाना है, और कीमे को वेजिटेरियन कैसे बनाएं तो चलिए दिखाते हैं आपको 100% बिल्कुल ही वेजिटेरियन एंड वेरी हेल्दी सोया आलू कीमा सब्जी। सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तेल हमारा गरम हो चुका है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे स्लाइस्ड अनियंस। जी हाँ, थिनली स्लाइस्ड अनियंस। प्याज हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं, इसमें अब हम ऐड करेंगे स्लाइस्ड टमेटोस। इसे भी हमें हल्का नरम करना है तो थोड़ी देर हम इसे तेल में ऐसे ही पकने रखेंगे। टमाटर भी हमारे अच्छे से गल गए हैं तो अब इस वक्त हम इसमें साबुत गरम मसाला, जिसमें मेरे पास है 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 5 लौंग, इसे अच्छे से प्याज और टमाटर के साथ भुनना है हमें। आप चाहे तो गरम मसाले का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खैर काफ़ी ऐसे नॉनवेज डिशेस होते हैं, काफ़ी कोरमा डिशेस भी होते हैं जिसमें हम साबुत गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त हम ऐड करेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट और साबुत गरम मसाले की हल्की महक सी आ रही है तो इस वक्त हम सारे जो हमारे ड्राइड स्पाइसेस हैं वो इसमें शामिल करेंगे। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और हाँ, साबुत जीरा। इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भुनना है। आप चाहे तो आप काली मिर्च भी साबुत इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उस वक्त जब हमने हमारे जो साबुत गरम मसाले थे वो इस कढ़ाई में ऐड किए थे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इस वक्त हम ऐड करेंगे इसमें आलू, जो हमने ऐसे मोटे मोटे क्यूब्स में काट के रखा हुआ है। आलू को हम पहले डालेंगे कीमा के लिए, जो हम सोया ग्रैन्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भी पहले हम आलू डालेंगे क्योंकि आलू को पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। जिस तरह आलू हर डिश में ऐड किया जा सकता है और उसका फ्लेवर अनोखा ही होता है हमेशा, वैसे ही सोया ग्रैन्यूल्स हो या सोया चंक्स हो, ये भी आप कोई भी डिश में शामिल कर सकते हैं और ये अपने आप को अच्छे से उस डिश में एकदम इनग्रेन कर देता है और उसके सारे फ्लेवर्स अपने आप में ले लेता है। तो यहाँ पर तो हम आलू और सोया को इकट्ठे ले रहे हैं, जो आप वैसे ही किसी भी डिश में ट्राई कर सकते हैं। आलू को पकने के लिए थोड़ा वक्त लगने वाला है, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे कवर करते हुए थोड़ी देर इसे पकने रखेंगे। आलू हमारे हल्के से पक चुके हैं, इसमें इस वक्त हम ऐड करेंगे न्यूट्रेला के प्री कुक सोया ग्रैन्यूल्स। ये सोया ग्रैन्यूल्स वही है जिसे हम वेज कीमा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इस डिश में, और ये 52% रिच इन प्रोटीन है और बिल्कुल ही फैट फ्री। तो ये कीमा जो बना रहे हैं हम, ये वेजिटेरियन ही नहीं पर हेल्दी भी है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है एंड कैलरी कॉन्शियस है और कीमा खाने का मन कर रहा है लेकिन कोलेस्ट्रॉल के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है जो आपको सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगी। हमारे सोया आलू कीमा की सब्जी तैयार है, चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। सोया आलू कीमा हमारा तो तैयार है, आप भी ट्राई कीजिएगा अपने घर में और बताइएगा कि कैसे बना। न्यूट्रेला फूड तक यूं ही देखते रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए।